निगाहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तो बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, साथ छोड़ूंगी ना तेरे पीछे आऊंगी, छीन लूंगी या खुदा से मांग लाऊंगी, तेरे नाल तक देरा लिखवाऊंगी, मैं तेरी बन जाऊंगी, मैं तेरी बन जाऊंगी, सेवा करी मैं कसम यही खाऊंगी। Hi guys, welcome back to my channel Food and Face, myself Nisha. So friends, intro कैसा लगा? Because ये वाला जो song है ना, मेरा favorite song है. मैं थोड़ा video के लिए थोड़ा makeup shake up कर रही थी थोड़ा सा, तो ये वाला song मैं गा रही थी, तो मैंने सोचा आप सब लोगों के सामने ही गा लेती हूँ. आप सब लोग भी बताना आप सब लोगों को ये वाला song कैसा लगता है और मेरी आवाज कैसी लगी. आई नो मैं बहुत बेसुरी हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है गाना, तो कभी कभार गा लेती हूँ. तो नीचे कमेंट करके बताएं किन किन लोगों को ये वाला सॉन्ग पसंद है, और मुझे भी पसंद है, और ये वाला सॉन्ग मेरे हबी के लिए है जो मेरी लाइफ में मेरे लिए सब कुछ है. दिस इज फॉर यू माय होल लाइफ, माय एवरीथिंग. सो कम टू द पॉइंट नाउ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा मेकअप हॉल. इस तरीके की पॉलिथिन में दिया है हमारे सिटी में, अभी वो जो प्लास्टिक वाली पॉलिथिन होती है ना वो बंद हो चुकी है, अभी इस तरीके की पॉलिथिन देते हैं. तो इसका मैं आप सब लोगों के साथ हॉल शेयर करने वाली हूँ. ये वाला जो हॉल रहेगा स्पेशली फॉर द नवरात्रि, स्पेशली फॉर द करवा चौथ, स्पेशली फॉर द फेस्टिव सीजन. बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं, बिकॉज मैं भी अभी न्यू हूँ, तो इतने सारे महंगे वाले प्रोडक्ट्स नहीं खरीदती हूँ, अफोर्डेबल और अच्छी चीजें खरीदती हूँ. तो आई थॉट कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर लूँ, वन बाय वन शेयर करूंगी. और कुछ प्रोडक्ट्स मैं यूज कर चुकी हूँ मेरी नवरात्रि वाले मेकअप लुक में, बहुत सारी चीजें मैंने यूज की थी तो मैं अच्छे से रिव्यू कर सकती हूँ. अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट से जाके देख लीजिए, बहुत ही अच्छा वाला मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है. और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. मेरे चैनल पे गिव अवे भी चल रहा है, उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए, आप बहुत सारे गिफ्ट भी जीत सकते हैं. बहुत इंट्रो लंबा हो गया, मैं चाहती हूँ कि इंट्रो शॉर्ट हो, पर बहुत लंबा हो ही जाता है बिकॉज मैं बहुत ही बकबक करती हूँ. तो अभी जल्द से जल्द वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेट्स मूव नाउ. मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगी आज मैंने जो लिपस्टिक लगाई है इट्स लाइट ब्राउनिश, जो अभी मैं ये वाले मेकअप हॉल में आप सब लोगों को दिखाऊंगी, एकदम लाइट ब्राउन चॉकलेट सा शेड है, रेगुलर यूज के लिए बेस्ट है. इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया है ऑरेंज कलर की बुलेट लिपस्टिक, तो मुझे ये वाला कलर अचीव हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है लुकिंग वाइज. तो आप भी इस तरीके का मिस एंड मैच करके लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं. सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट की, बहुत बातें करती हूँ. स्विस ब्यूटी का मूज कम फाउंडेशन है, वेटलेस स्मूथ एंड वेलवेट टच, इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग है. इसका कॉस्ट है 170 रुपीज, 150 to 170 के बीच में है. इसमें मेरा शेड है 03 नेचुरल बेज प्राइमर मूज फाउंडेशन. मैंने इसको दो बार यूज किया है, मुझे ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, अफोर्डेबल है. टीनेजर्स आप इसको मस्ट रखें अपने पास, इतना कॉस्टली नहीं है, ठीक है. तो इसका बेनिफिट क्या है, आपको अलग से प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये प्राइमर कम फाउंडेशन है. तो पर्सनली मैं रिकमेंड करूंगी आप इसको जरूर अप्लाई करें, और जिसी भी प्रोडक्ट का आपको डिटेल में रिव्यू चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना, मैं डेफिनेटली रिव्यू आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी. और मेरे को रैंडमली जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मैं उठाती जा रही हूँ, ठीक है. नेक्स्ट प्रोडक्ट है एमन की बीबी क्रीम, दिस इज ऑल्सो अफोर्डेबल. इसका कॉस्ट है ₹120. इसकी पैकेजिंग माइंड ब्लोइंग बहुत अच्छी है, रोजेस वाली कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, बट अच्छी है, अफोर्डेबल है, टीनेजर्स ये इसको अप्लाई कर सकते हैं. राइट नाउ मैंने जो मेकअप किया है मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ ये एमन की बीबी क्रीम ही लगाई है. फर्स्ट टाइम यूज किया है, अब भी जस्ट लगाई है आधा घंटा पहले, लगाने में ब्लेंड करने में तो मुझे अच्छी लग रही थी, पर देखते हैं एक आध बार यूज करूंगी तो आपके साथ रिव्यू जरूर शेयर करूंगी. अफोर्डेबल है बीबी क्रीम, और क्योंकि टीनेजर्स जो होते हैं बार बार फाउंडेशन या कंसीलर वगैरह अप्लाई नहीं करते हैं, तो आप ये वाली बीबी क्रीम परचेज कर सकते हैं. ये भी अमेजोन पे अवेलेबल है. ये इसमें क्या लिखा हुआ है, बीबी ब्लैमिश बाम क्रीम, ठीक है. और इसके जो बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, कंटेन्स नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स न्यूट्रिशंस इंग्रेडिएंट्स सॉफ्ट एंड जेंटल टू स्किन, अच्छी वाली क्रीम है.
फ्रेंड्स मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो अगेन स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटर मेकअप बेस है। इसको आपको मेकअप करने से पहले लगाना है। अगर आपको ड्यूई सा एकदम ग्लोइश मेकअप चाहिए ना, अगर आप पार्टी वगैरह में जा रहे हैं तो आप इसको लगा सकते हैं। कार्डबोर्ड पैकेजिंग है पिंक कलर का, डार्क पिंकिश, और इसमें जो मेरा शेड है वो है 02। ये एक्चुअली मैं अमेजोन से परचेज करने वाली थी, मैंने कार्ड में ऐड कर दिया था, बट मैं जब मेरा लोकल मार्केट से परचेज करने गई थी तो ये मुझे दिख गई तो मैंने वहां से ही ले ली। बहुत ही अच्छी है, इसके रिव्यूज मैंने देखे हैं बहुत अच्छे हैं। इसमें मेरा शेड है 02 सिल्वर पिंक। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं ना, बहुत ही स्मॉल सी क्वांटिटी जाती है। अगर आपको ना लाइक पार्टी में या नवरात्रि में या कहीं पे भी रिसेप्शन पे जाना है तो आप ये वाला इल्यूमिनेटर बेस जरूर अप्लाई करें। इस तरीके का देखिए आप, इसको मैं ब्लेंड करूंगी ना, बहुत ही शाइनी इफेक्ट आएगा। और मैंने इसकी अच्छी बात तो ये है ना, ये बहुत ही अफोर्डेबल है। आपको ये 125 रुपीज की पड़ेगी, राइट? देख सकते हो कैमरा कैच कर, हाँ, बहुत लाइक ग्लोइश ड्यूई सा आपका लुक आएगा। ये भी मस्ट बाय प्रोडक्ट है। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन लाइक मेरी तरह है, लाइक मैं इतनी एक्सट्रीम गोरी भी नहीं हूँ और वो भी नहीं हूँ, सावली भी नहीं हूँ, तो आपको ये 02 शेड आपके लिए परफेक्ट रहेगा। ठीक है, 02 शेड है वो नॉर्मल है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो आप विदाउट हेजिटेशन वो परचेज कर सकते हैं इफ यू वांट टू परचेज। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही ड्यूई सा लुक आया है। और फ्रेंड्स मैं ये भी चीज बताना चाहूंगी कि ये वाली जो इल्यूमिनेटर बेस है ना, बहुत ही लाइट वेटेड है। अगर आप अप्लाई करते हैं ना तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ अप्लाई किया अपने फेस पे। तो ये भी मस्ट बाय प्रोडक्ट है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। तो टीनेजर्स या कोई भी, आप इसको जरूर परचेज कर सकते हैं। ये मेरी आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है, मैं थोड़ा मस्ती वाले मूड में हूँ तो प्लीज बुरा मत मानना। फ्रेंड्स मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो मार्स की है एलोवेरा मेकअप सेटिंग स्प्रे विथ विटामिन ई एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। बहुत ही अच्छी वाली मेकअप सेटिंग स्प्रे है। अच्छी बात इसकी ये है कि ये अफोर्डेबल है, कॉस्ट रुपीज 150 ओनली। अमेजोन में भी आपको इजीली मिल जाएगी। अगर आप मेकअप सीख रहे हैं, अगर आप बिगनर हैं, अगर आप टीनेजर हैं, इतना सारा अफोर्डेबल चीजें यूज करना चाहते, इतना सारा महंगे वाले प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहते, तो आप ये वाला मेकअप सेटिंग स्प्रे मस्ट बाय करें। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ आप ले सकते हैं, आगे आपकी मर्जी, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास है ये लैक्मे का परफेक्ट रेडियंट स्किन लाइटनिंग कॉम्पैक्ट विद SPF 23। ठीक है, ये वाला कॉम्पैक्ट फ्रेंड्स माइंड ब्लोइंग, मस्ट बाय प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा है। ये न्यू निकाला है लैक्मे वालों ने। इसका भी कॉस्ट है रुपीज, मुझे मेरे लोकल मार्केट से मिला था, इसका MRP है 210, बट वो वाले जो भैया है ना मुझे ऑब्वियस डिस्काउंट वगैरह दे देते हैं, तो उन्होंने मुझे 170 रुपीज में दिया था। आप ये अमेजोन पे इसको देख लेना, मैंने देखा नहीं है। ठीक है, मैंने मेकअप वाली जो नवरात्रि का मेकअप लुक क्रिएट किया था उसमें मैंने इसको ही यूज किया था। इसका शेड मेरे स्किन टोन के हिसाब से एकदम परफेक्ट था। अगर आप कोई कॉम्पैक्ट परचेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसको परचेज कर सकते हैं। इस तरीके का पफ भी आपको मिल जाएगा, और इसका मैं एक सेकेंड देख लूँ कितना मिलता है आपको। हाँ, 6 ग्राम का प्रोडक्ट है, और इसमें है नंबर 2, ये है नंबर 2, इसमें नंबर 1 भी होता होगा। नंबर 2 इज परफेक्ट फॉर माई स्किन। फ्रेंड्स मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है अगेन इट्स अ मार्स। एक्चुअली ये वाला प्रोडक्ट मुझे स्विस ब्यूटी का लेना था। एक फेमस यूट्यूबर है, उनका नाम है, उनके चैनल का नाम है ब्यूटीफुल यू। वो स्विस ब्यूटी के इस तरीके के जेल आईलाइनर की बहुत तारीफ करती हैं, तो मेरे पास कोई जेल आईलाइनर था नहीं तो मुझे स्विस ब्यूटी का ही परचेज करना था। बट वो वाले जो भैया हैं जिनसे मैं मेकअप परचेज करती हूँ, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया आप ये वाला ले। और मैंने मार्च के काफी सारे प्रोडक्ट्स लिए थे ना, तो मुझे डिस्काउंट मिल रहा था तो मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है, इस तरीके का जेल आईलाइनर है। जेल आईलाइनर का लुक बहुत अच्छा आता है, क्योंकि उसका जो लुक आता है वो एकदम जेड ब्लैक आता है। आप मेरी आगे वाली वीडियोस में देखेंगे, मैं इसका डेफिनेटली यूज करूंगी। फट गया। ठीक है, ये इस तरीके के दो मेरे को मिले हैं, एक ब्लैक है और एक ब्लू है। ठीक है, और इसके साथ हमको ये दो ब्रशेस मिल जाते हैं अप्लाई करने के लिए, एक ट्राइंगल ब्रश है और एक सिंपल ब्रश है। ठीक है, जेल आईलाइनर में जब अप्लाई करूंगी ना, आप सब लोगों को दिखाऊंगी। तो ये भी मुझे पड़ा था 170 रुपीज का, मार्स का है ये। ठीक है, और वो स्विस ब्यूटी का थोड़ा कॉस्टली था, बट ये अभी मैं लेके आई हूँ, देखती हूँ ट्राई करती हूँ कैसा है, इसका भी रिव्यू मैं आप सब लोगों के साथ जरूर शेयर करूँ। फ्रेंड्स मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये
तकलीफ हल्की। ये आईलैशेस जो मेरे पास थी बट उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं अच्छी क्वालिटी के लेके आई हूँ। मिंक हेयर इस पे लिखा हुआ है, 5D मिंक हेयर। ये मुझे मिले थे मेरे लोकल मार्केट से 120 रुपीज के, राइट। आप देख सकते हैं काफी लॉन्ग लैशेज हैं। इनको मैं ट्राई करूंगी अप्लाई करने की, मुझे आते हैं अप्लाई करना बट मैं कैमरा के सामने अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं बैक कैमरा इसको अप्लाई करके इसका भी लुक मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगी कैसा लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है SFR का, ये ना आईब्रो किट पैलेट है। इससे आप अपने आईब्रोज को फिल कर सकते हैं, अपना ट्रांजिशन शेड ये वाला व्हाइट लगा सकते हैं। ये वाला मैंने यूज किया था मेरे नवरात्रि मेकअप हॉल में। व्हाइट है, ग्रे है, जेड ब्लैक है, थोड़ा डार्क ग्रे है और एकदम लाइट सा ब्लैक है। तो ये वाला जो किट है परफेक्ट है हमारे आईज के लिए। इसका कॉस्ट है रुपीज ओनली 150 फ्रॉम माई लोकल मार्केट। इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको कॉस्टली मिल रहा है आपके मार्केट में अमेजोन पे, तो आप मुझे DM कर सकते हैं और मैं इंस्टाग्राम, तो मैं आपको कुरियर कर दूंगी, मैं आपके लिए परचेज करके आपको कुरियर कर दूंगी, आप मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दें। प्रोडक्ट है वो है ये वाले शिमर्स जिनको मैंने अप्लाई किया था मेरे नवरात्रि वाले वीडियो में भी। अगर आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं, नवरात्रि के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको लाउड मेकअप करना है, अपने आईलिड्स को एनहेंस करना है, तो मेकअप करने के बाद आप इन शिमर्स को अपने आईलिड्स पे प्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लू, या ऐसे भी आप प्लेस कर सकते हैं, थोड़ा सा फॉल आउट होता है फिर हमको क्लीन करना पड़ता है। ये मेरे पास है ब्लू, कॉपर, वाइट, ब्लैक, ठीक है। और ये वाला नेल पेंट भी लिया मैंने, ये भी स्विस ब्यूटी का नेल पॉलिश है शिमर वाला। अगर आप कोई सा भी कलर अप्लाई करके इसके ऊपर ये अप्लाई करेंगे ना, तो आपके नेल्स बहुत अच्छे लगेंगे। मेरे नेल्स बहुत छोटे हैं, मैंने आपको बताया था मेरे हस्बैंड मुझे बड़े नेल्स अलाउ नहीं करते हैं। ये वाली फिंगर पे मैंने अप्लाई किया था, ये वाला आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इनका कॉस्ट है, मैंने 4-5 लिए ना, तो मुझे पर ये 30 रुपीज का पड़ा, ठीक है। मैंने 4 लिए पर रुपीज 30। वो है ये हुदा ब्यूटी का ग्लिटर आई शेडो, इस तरीके की, जिस तरीके की लिक्विड लिपस्टिक आती है ना, निकल जा, इस तरीके का। अगर आप बिगनर हैं, सीख रहे हैं, आई शेडो क्रिएट करना नहीं आता है, तो आप एक ट्रांजिशन शेड अप्लाई करके इस तरीके का ग्लिटर थोड़ा सा अप्लाई करके ब्लेंड कर देंगे ना, बहुत ही अच्छा लुक आता है। ये वाला ट्यूटोरियल मैं आप सब लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। इसमें बहुत सारे कलर्स थे बट मैंने सिर्फ फिलहाल एक ही परचेज किया फॉर अ यूज ओनली, तो इसका कॉस्ट मुझे पड़ा था 100 रुपीज। इस तरीके के आपको अमेजोन पे भी मिल जाएंगे, पूरा 6 का सेट आता है, इसका कॉस्ट रहता है 600 रुपीज, ठीक है। और मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, इस तरीके की बिंदियां मैंने ली, बिकॉज मैं कभी बिंदी लगाती नहीं हूँ और मुझे अभी यूट्यूब वीडियोज के लिए लगानी पड़ती है, ये बिंदियां ली है और इसका कॉस्ट था 15 रुपीज, राइट, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं, ये वाला मैंने रिमूवर लिया, नेल रिमूवर मार्स का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो इस तरीके का रिमूवर, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगी, इस तरीके के भी रिमूवर्स मार्केट में मिलते हैं, आप देख सकते हैं। इसमें अंदर अलग अलग पैड्स आते हैं, एक को आप निकाल के अपनी नेल पॉलिश को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही हैंडी रहता है। और इसका कॉस्ट है 20 रुपीज। फ्रेंड्स मैंने बहुत तारीफ सुनी थी यूट्यूब वीडियोस में, हर जगह पे, कि कंसीलर अगर हमको यूज करना हो तो एले गर्ल का सबसे अच्छा आता है। मोस्टली मैं कंसीलर को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ, मैं कंसीलर थोड़ा सा ही अप्लाई करती हूँ, बिकॉज मुझे कंसीलर अप्लाई करने के बाद थोड़ा मेरा मेकअप पैची सा लगता है। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, आई एम नॉट सेइंग कि मैं सबका ऐसा होता है, ठीक है। तो ये HD हाई डेफिनेशन कंसीलर है एले गर्ल का, ट्राई करती हूँ कैसा है, थोड़ा कॉस्टली मिला। ये मुझे मिला 350 रुपीज का फ्रॉम माई लोकल मार्केट, वो है नेचुरल बेज और इसमें नेट वेट मिला है मुझे 0.28 ग्राम्स, ठीक है, 8 ग्राम्स का प्रोडक्ट है, बहुत ही पॉपुलर कंसीलर है। मैं भी ट्राई करती हूँ कैसा रहता है मेरे लिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं लिपस्टिक की। मैंने टोटल 3-4-5 लिपस्टिक्स परचेज की, अफोर्डेबल कैटेगरी की है, इतनी ज्यादा मैंने महंगी वाली लिपस्टिक्स नहीं ली है, ठीक है। उसमें से जो मेरी 3 लिपस्टिक्स है वो है मार्स की, देख लीजिए आप पैकेजिंग सुपर, बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। इसमें जो मेरा फर्स्ट शेड है वो है रेड कलर का, जिसको मैंने अप्लाई किया था मेरी नवरात्रि वाली मेकअप हॉल में, रेड है,
ठीक है, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। जो नेक्स्ट शेड है वो है ऑरेंज, इसको मैंने उस दिन मैं मूवी देखने जा रही थी तब अप्लाई किया था। रेड ऑरेंज दोनों ही शेड्स काफी काम आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो शेड है वो है लाइक वो क्या बोलते हैं, कौन सा कलर बोलते हैं इसको, गाजरी टाइप, ठीक है, थोड़ा डार्क पिंक सा। ये रेगुलर यूज के लिए बेस्ट रहता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गए तीनों बुलेट लिपस्टिक। फिर उसके बाद मैंने ये वाली लिपस्टिक भी ली है, किस फ्लाई कंपनी की है, ठीक है। ये है एकदम लाइट चॉकलेट ब्राउनिश शेड, आप देख सकते हैं। अभी राइट नाउ मैंने वो ही वियर किया है, बहुत ही लाइट है, ठीक है, लिक्विड लिपस्टिक है। यहाँ पे थोड़ी डार्क लग रही है बट है लाइट, क्योंकि मैंने दो बार स्वेच किया। ये अप्लाई करने के बाद फिर मैंने ना उसके ऊपर ये वाली ऑरेंज कलर की लिपस्टिक अप्लाई कर दी, फिर मुझे ये वाला कलर अचीव हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद एक रेड चेरी कलर की और लिपस्टिक ले ली मैंने, मार्स की है ये भी। इन सब लिपस्टिक का कॉस्ट है रुपीज ओनली 100, यस फ्रेंड्स, ओनली 100 रुपीज पर लिपस्टिक 100, और लिक्विड लिपस्टिक ये वाली 150 की है, ठीक है, अफोर्डेबल कैटेगरी की है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो लास्ट प्रोडक्ट है ये है हुदा ब्यूटी का ब्यूटी ब्लेंडर। इसको मैंने परचेस नहीं किया है, वो वाले जो भैया हैं जिनसे मैं मेकअप लेती हूँ उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है फ्री में, मस्त है, बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। तो ये फ्री का प्रोडक्ट मिल गया क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने परचेज की थी। फ्रेंड्स मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जो मैंने ऑनलाइन से परचेज किया, ये हुदा ब्यूटी की टेक्सचर्ड शेडो पैलेट रोज गोल्ड एडिशन, ठीक है, ये मैंने परचेज की है। इसका कॉस्ट है 376 रुपीज, स्नैपडील से परचेज की है, डिस्काउंट चल रहा था। इसके शेड्स मुझे बहुत अच्छे लगे बिकॉज मेरे पास इस तरीके के शेड्स का कोई पैलेट नहीं था, आप देख सकते हैं, ये साइड हो जाती हूँ, ठीक है। इसमें शिमर्स हैं, बेज शेड है, पिंक है फ्रेंड्स, इसमें ब्लैक है, ट्रांजिशन शेड है, ब्राउन है, येलो है, कॉपर है, सब वाले शेड्स हैं, आप देख सकते हैं। इसमें अगर आप लेना चाहते हैं तो आप स्नैपडील पे जाके देख सकते हैं। ये पैलेट का नाम है, मैंने आपको बताया ना, रोज गोल्ड एडिशन, ठीक है, तो आप भी ले सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती है। सो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, होपफुली आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, आप सब लोगों ने एंजॉय किए, बोर नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इन सभी प्रोडक्ट्स में से जो भी मैंने आप सब लोगों के साथ अभी शेयर किए, कोई भी प्रोडक्ट आपको डिटेल वीडियो चाहिए, कम्प्लीट रिव्यू आप देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना। आप सब लोगों की कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, एक एक कमेंट मेरे लिए मस्ट लाइक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जरूरी होती है। आप कमेंट करते हैं मैं खुश होती हूँ, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, मैं आप सब लोग से मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करना, आप लोग वो चीज के लिए कमेंट नहीं करते हैं, फ्रेंड्स आप कमेंट कीजिए। तो मैं आप सब लोग से मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।